अन्ना हजारा भी रो रहा है महाराष्ट्र में, अन्ना हजारा फोन कर रहा है लगातार, इनको केजरीवाल को फोन नहीं उठा रहे। अरे भाई, अन्ना हजार के सामने रख के नेता बन गया, उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे भाई? मैं कहना चाहता हूं इस केजरीवाल को, जुमला के ऊपर जुमला, झूठ के ऊपर झूठ बोलने का बात ये कर रहे। जो जामिया में यूनिवर्सिटी में जो छात्र लोग के ऊपर लाठी चला, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारा बहने लोग जो स्टडी कर रहे थे वहां आंसू गैस लगाने का काम किया, तब भी इनका मुंह नहीं खोला है। जो शाहीन बाग में जो गोली चलाने का काम किया वो किस पार्टी का कार्यकर्ता था? आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता। जो जामिया में जो गोली चला किस पार्टी का जो कार्यकर्ता था? जो बीजेपी का बजरंग दल का कार्यकर्ता था। दो एक ही सिक्का का दो पिल्ले है इन लोग ने, ये दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और मैं इतना ही इन लोगों को कहना चाहता हूं, ज्यादा दिन ही झूठों से नहीं चलेगा। अच्छे दिन के बाद क्या था किसी को? अच्छे दिन आएगा आप लोग बता दो, अच्छे दिन का बहुत दूर की बात है। अच्छे दिन किसको आया? अमित शाह का बेटा जय शाह को आया, और किसी को नहीं आया। बहुत वक्ता लोग है, मैं एक ही बात में मेरा बात समाप्त कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी का जो भी बैनर आप देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े लेवल पे लिखा है पूरा दिल्ली में, देश बदला है दिल्ली बदलो। अरे नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली कहीं दुबई में है क्या? दिल्ली भी इसी देश में है, क्या बदलना है? हाँ, जो लड़का लोग नौकरी पूछता है, रोजगार के बारे में बात करे तो बात नहीं करता है, परीक्षा में चर्चा करते है। दूर दूर से जो छात्र लोग को लेके आके ठंड में आपने जो इवेंट कंपनी बना के रखा है, सरकार थोड़ी चला रहे आप, आपका इवेंट कंपनी है जो इवेंट चला रहे। कभी आपने नौजवान के बारे में जो रोजगार के बारे में चर्चा किया? कभी नहीं किया। आप सब लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम कर रहा है, मैं जानता हूं। फिर भी आप लोग के बीच में दो तीन बात रखना है मेरे को। मैंने सुना कल पेपर में, टीवी में, हर जगह योगी जी घूम रहे हैं गली गली में। अच्छी बात है, आपने घूम रहा है। दिल्ली सबसे ज्यादा विकास हमारा नेता आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित जी करके गया है। ये आके क्या कर रहा है, क्या बात रख रहा है? या दिल्ली में बीच में बिरयानी का बात कर रहा है? अरे भाई, बिरयानी का बात किसको चाहिए? बिरयानी पाकिस्तान का बात कर रहे हैं आपने, किसको चाहिए पाकिस्तान? इधर क्यों आप लोग पाकिस्तान पाकिस्तान से सुबह से रात तक चिल्लाते हैं? कोई नहीं चाहता है। सबसे ज्यादा लोग नौजवान सड़क पे घूम रहे हैं नौकरी के लिए, रोज 36 लोग आत्महत्या कर रहा है। जो आंकड़ा है, मैं आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा इनका सरकार का है। जो लास्ट साल में, एक साल में 10,000 किसान आत्महत्या किया था। हमने भी कभी कभी सुने थे जो किसान आत्महत्या करता है। 13,000 नया आंकड़ा इन लोग ने दिया, 13,000 नौजवान ने जो नौकरी नहीं मिला जो आत्महत्या किया है, वो भी आंकड़ा दिया। जो साल में दो करोड़ का नौकरी का बात किसने किया था? इन लोग ने किया था। नौकरी मिला क्या किसी को बताओ? नौकरी किसी को नहीं मिला। 6 साल हुआ 12 करोड़ नौकरी मिलने का था, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। नौकरी देने का बहुत दूर की बात है, नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह जीएसटी टैक्स लेके आके 5 करोड़ नौकरी छीनने का काम किया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा बाहर का लोग आके यहां काम करते थे। जो यहाँ का नौजवान अभी इंजीनियरिंग पढ़ के, एमबीए पढ़ के, डॉक्टर और एमटेक पढ़ के दूसरे स्टेट में जाके जो सिक्योरिटी काम करने लगे 6,000-7,000 के लिए, शर्म आना चाहिए इन सरकार को। जो केजरीवाल ने जो बात रखते थे, जनपाल की बात किया 2012 से लगातार, चुनने के बाद कभी जनपाल के बाद बात किया क्या ये केजरीवाल ने? कभी नहीं किया।
सबसे ज्यादा जो करप्शन के बाद निकलते थे इन लोग में मुंह से, अभी करप्शन का बात ही नहीं लग रहा है।